आपके लाइफ में कुछ भी हो जस्ट कीप डूइंग इट इवन इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट अ काइंड रिक्वेस्ट डोंट बी अफ्रेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस अगर आपने बहुत दिल से मेहनत की है और परसिस्टेंट हो आप अपने काम को लेकर तो एंड में जाके आपको रिजल्ट नहीं आना है

सर so, मैं बेसिकली बोकारो स्टील सिटी से बिलोंग करती हूँ जो कि झारखंड में है मेरी फैमिली में सर हम लोग फाइव मेंबर्स हैं मेरे मम्मी पापा और आ, मुझे मिलाकर मेरी दो एल्डर सिस्टर्स हैं। एंड बोथ आर मैरिड और जहाँ तक बात है मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड की तो मैंने बीबीए किया है बी आई मिश्रा से और एम किया है आई एम रांची यूनिवर्सिटी से और उसके बाद फिर आ, मैंने जॉब किया है इंश्योरेंस सेक्टर में जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर था और उसके बाद फिर बैंक में जॉब करने के बाद मेरा इंक्लेमेशन थोड़ा बढ़ा बैंकिंग सेक्टर में तो फाइनली फिर मैंने स्टार्ट किया ये प्रिपरेशन तो आपने अपना एमबीए किस ईयर में कंप्लीट करा है ट्वेंटी उसके बाद आपने जॉब कब ट्वेंटी ट्वेंटी तक किया है दो हजार अठारह से दो हजार बीस और फिर आपको ये, ये कब रियलाइज हुआ कि आपको तैयारी करनी है मार्केटिंग ऑफिसर बनना है क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे बैंक में ही थे बैंक अश्योरेंस में ने ने थे, थे तब तो आपको ऐसे कैसे आकर किया कि नहीं

डील कर रही थी तो मुझे उस बेसिस पे मुझे जॉब छोड़ना पड़ा तो वहां से फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे प्रिपरेशन तो करना है और उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी वैसे जनरली गर्ल्स के अंदर ये नोशन होता है कि जब वो थोड़ा समय सेल्स का काम कर लेते हैं उसके बाद उनका मन भर जाता है फिर दूसरा जॉब वो सेल्स का नहीं लेते हैं ऐसा भी कुछ केसेस आए मेरे सामने बच्चे बोलते हैं कि सर अब हम सेल्स का नहीं करेंगे हम कुछ और परस्यू करेंगे ऐसे कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होता है मैं ये नहीं करा सबका बट आपने पहले बैंक एश्योरेंस करा जो कि सेल्स का काम है और उसके बाद दोबारा से आप मार्केटिंग ऑफिसर की तैयारी में जुट गए तो आपको सेल्स को लेकर या मार्केटिंग को लेकर कोई दिक्कत कभी नहीं रही नहीं सर मुझे लगा कि शायद मैं इसी के लिए बनी हूँ और पेरेंट्स का भी वो थोड़ा रहता है कि नहीं आप लड़की हो तो आप एचआर का जॉब सिलेक्ट करो मार्केटिंग आप नहीं कर पाओगे एक टाइम के बाद फिर आपको छोड़ना पड़ जाएगा और लाइफ साइकिल भी ऐसा होता है वेमेन का की वो एंड में जाके थकार के वो छोड़ ही देती है बट पता नहीं मुझे ऐसा फील होता था कि मैं इसी के लिए ही बनी हूँ और शायद मैं करूँ भी तो शायद मैं बोर हो जाऊँ एक टाइम के बाद तो मुझे वो रियलाइजेशन हो चुका था एक टाइम पे कि शायद मुझे यही करना है जो आपने डिसाइड किया कि आप मार्केटिंग ऑफिसर का तैयारी करेंगे तो उस समय आपको मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ आइडिया था या उसमें so, उस क्या, -क्या, उस क्या पढ़ना होता है वो मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता था तो मैंने फिर उस हिसाब से एक्सप्लोर किया और फिर मुझे पता चला कि मेंस के लिए अलग प्रोफेशनल नॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा बट आपको आइडिया था मार्केटिंग ऑफिसर क्या करता है तो फिर आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप मार्केटिंग ऑफिसर का तैयारी शुरू करेंगे और आप का जॉब था आपने वो ड्रॉप करा फिर आपने कैसे डिसाइड किया कुछ प्लान बनाया कुछ बनाया तो कैसे आपने तैयारी करा मेंस का तैयारी कैसे पहुंची थी बट मार्क्स uh, मेरे एक्चुअली कम थे ओवरऑल तो उस वक्त सर मैंने आपका कोर्स नहीं लिया था और मैं जब मेंस के लिए जा रही थी ट्रैवल कर रही थी एग्जाम सेंटर के लिए तब अचानक से आपका यूट्यूब का एक वीडियो पॉपअप हुआ और मुझे लगा कि शायद मैंने जो कोर्स एक्चुअली उस वक्त मैंने कुछ और कोर्स ले रखा था तो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि नहीं शायद मैंने कुछ गलत किया है <laughs> तो फिर मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी टू में मैंने फिर आपका कोर्स लिया था और उस वक्त मैंने इंटरव्यू का आपका कोर्स लिया था ट्वेंटी में फिर 2022 में मैंने फिर से प्रिपेयर किया बट उसमें भी आ, मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल नहीं हो पाया और फिर वही मैंने पीटी का प्रिपरेशन किया यहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस भी ले रही थी पीटी के लिए और मेंस का सर उसके बाद तो फिर आपका ही कोर्स लिया है मैंने पिछले साल तो वैसे भी वैकेंसीज केवल सौ ही थी तो काफी सारे अच्छे कैंडिडेट्स नहीं थ्रू हो पाए बिकॉज नंबर ऑफ सीज इतने कम थे कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मेरे पिछले साल रह गए बट लकीली उनमें से ऑलमोस्ट नाइन कैंडिडेट्स का इस बार हो गया बिकॉज उनका तैयारी पहले से ही चला आ रहा था अब आप मेरे को बताओ कि आपने जब मेन्स का तैयारी करा तो आपने कितना समय करा आपका स्केड्यूल क्या रहता था किस तरीके से आपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करा बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी नोट्स बनाए या नहीं बनाए क्योंकि आप पहले दो बार ट्राई कर चुके थे तो आपको पता था कि भाई क्या चाहिए तो आपने इस बार क्या अलग किया जिससे आपको इतना बड़ा एज मिल गया इस बारी? सर, इस बार बार सर मैंने सोच लिया था कि मैंने सर बाकी टेस्टिमोनियल भी देखा था था जो आपने डाला था पे तो मुझे लगा कि कोटलर एक बार पढ़ना चाहिए तो मैंने कोटलर स्टार्ट कर दिया था जून में जून जुलाई में आई थिंक मैंने स्टार्ट किया कोटलर और वहां से सर मेरा वैसा प्रेशर वाला मैं नहीं पढ़ पाती कि एकदम से पढ़ते रहो चार पांच घंटे लगातार मेरे से वैसा हो नहीं पाता तो मैं एकदम मतलब स्लो प्रोसेस से आराम आराम से मैं पढ़ती हूँ ताकि मेरे माइंड में वो फिट इन होता रहे ये नहीं कि बस दिखाने के लिए पढ़ लिया चार पांच पेज एक चैप्टर मैंने दो दिन में कंप्लीट कर लिया तो ऐसा नहीं है मैं रेगुलर बेसिस पे एक दो घंटे बस पढ़ती थी मेंस के लिए और बाकी फिर पीटी का टेस्ट वेस्ट मैं लगाती थी तो मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखते देखा था और वो देख देख के मैं अपने खुद के नोट्स बनाया करती थी

में टाइम बच जाता है तो आपने मेन जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पोर्शन है मार्केटिंग का उसका तैयारी आपने रिजल्ट आने के बाद नहीं की पहले से ही शुरू कर दी थी यस सर ओके मॉक्स वगैरह भी कुछ ट्राई करें आपने यस yes, सर आपके ही मॉक्स दिए थे मैंने मेंस के बहुत अच्छा था सर वो टेस्ट सीरीज इतना अच्छा था कि सर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने देखा था बट इस लेवल का था ही नहीं सर एक्चुअली जब हम भी डिजाइन करते हैं कंटेंट तो हम दो तीन चीजों को दिमाग में कंटेंट डिजाइन करते हैं एक तो जो पहले पूछा गया वो और दूसरा जो भी लेटेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं जो नेशनल लेवल बुक्स अवेलेबल हैं जिनको बेसिस रख के हम अपना कंटेंट डिजाइन करते हैं तो उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं और तीसरा हम वो भी सोचते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले कि ऐसा क्वेश्चन रखा जाए जिससे बच्चे का कंसेप्चुअल नॉलेज भी टेस्ट हो जाए कि अगर इस बच्चे ने ये क्वेश्चन आंसर कर दिया तो इसका मतलब ये पक्का है कि इसको इस, इस कंसेप्ट के बारे में समझ आ गया है तो ये दो तीन चीज़ों को दिमाग में रख के मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन करें अलग अलग सोर्सेज से भी लिए हैं ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन करें कुछ पास्ट में प्रीवियस एग्जाम्स है वहां से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर मेरे को लगता है कि ये रिपीट हो सकते हैं रेलिवेंट है वो भी उठाए गए हैं

मुश्किल क्वेश्चन होते हैं तो आपने आप दो तीन बार पहले भी लिख चुकेट तो आपके पास होते हैं साठ क्वेश्चन लगाने के लिए और जनरली क्वेश्चन आप पढ़ के आपके पास समय बचता है तो क्या बच्चों को सारे क्वेश्चन करने चाहिए या कुछ कम करने चाहिए नहीं सर मेरा मानना है सर आपको जितना आता है आप उतना ही अटेम्प्ट करो ये नहीं कि हाँ बस तुक्के पे तुक्के लगा दिए तो वैसा नहीं करना चाहिए उससे बचना चाहिए हाँ क्योंकि मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग से आप ज्यादा ही पीछे चले जाते हो फिर यस सर कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैंने तो पचास क्वेश्चन अटेम्प्ट करे पचपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करे लेकिन मेरा स्कोर कम बना क्योंकि वो जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो भी उन्होंने लगा दिए होते हैं तो वहां पर उनका स्कोर कम हो जाता है तो आपका थर्टी थ्री बन गया आउट ऑफ सिक्सटी और आपका कट ऑफ कंफर्टेबली निकल गया इस बार तो काफी कम कट ऑफ गया था

क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए सर पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो ऑब्वियसली आपका ही कोर्स लिया था मैंने और उस वक्त तो मतलब बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था आई गॉट दैट टाइम मार्क्स अच्छा बीस में से तो यस सर तो वहां पे इंटरेक्शन काफी अच्छा हुआ एक्चुअली उन्होंने मेरा uh, मैं फाइल लेकर गई थी तो उन्होंने मांगा और मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया था तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो एक्चुअली मेरे प्रोफाइल में है कि एज एन आर्टिस्ट मैंने काम किया है तो उस बेसिस पे वो टेन मिनट्स वहां पे कवर हो गए और मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मिले कि हाँ आपने कैसे किया क्या किया फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और फिर बाद में कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो तो इससे रिलेटेड ये सब था और बैंकिंग सेक्टर के से रिलेटेड उन्होंने पूछा था गोल्ड बॉन्ड क्या होता है तो ज्यादा वो उस डायरेक्शन में गया नहीं मेरा इंटरव्यू <laughs> और इस बार में क्या डिफरेंस था सर कि इस बार उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही पूछते रह गए <laughs> तो इस बार सर क्या हुआ कि मैं लास्ट कैंडिडेट थी मतलब मेरा सेकंड शिफ्ट में था आ, वन पीएम एम टू सिक्स पी होता है तो मैं लास्ट कैंडिडेट थी और मुझे लग रहा था वो लोग भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे क्योंकि उनके फेस पे वो मुझे मतलब दिख रहा था कि वो मेरे साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि चलो आप आ गए हो तो मुझे आपका इंटरव्यू ले लेना है तो उन्होंने मेरे से बहुत बेसिक सवाल सवाल किए जैसे मैं बोकारो से हूँ तो बोकारो में कौन सा रिवर है स्टील प्लांट के बारे में उन्होंने पूछा फिर पूछा की इंडिया के मॉन्यूमेंट्स बताओ आप फिर डिजिटल बैंकिंग के बारे में पूछा फिर डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा फिर हो गया इतना ही पूछा नहीं ठीक है तो ये इंटरव्यू काफी एवरेज था एवरेज नहीं था ये अच्छा था पूछिए क्योंकि जब हम लास्ट में इंटरव्यू देते हैं ना तो आप सही कह रहे हो पैनल मेंबर्स कई बार थक भी जाते हैं तो वो उतना ग्रिल नहीं करते और तो बातचीत करेंगे अगर आप उनको बातचीत करने में अच्छे लगे समझदार लगे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपका यू बी थ्रू तो कितना पाए इस बार आप मार्क्स इंटरव्यू में बीस में से

बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं शो करते और कहीं कहीं पैनल मेंबर्स एक्सट्रीम मार्क्स भी दे है, है। तो पैनल तो पैनल सूरज जी अच्छा इससे तो पहले के मैं भूल जाऊं क्योंकि आप एक आर्टिस्ट है थोड़ा अपने आर्ट के बारे में बताए सर मैं पेंटिंग करती हूँ ऑर्डर्स भी लेती हूँ पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का या फिर कोई अगर कस्टमर पर्टिकुलरली कोई पेंटिंग बनवाना चाहता है क्योंकि लोग जनरली प्रिंट्स लेते हैं बट वो चाहते कि, नहीं, कि आपकी आर्ट भी लोगों तक पहुंचे तो मेरे को आपसे दो फेवर चाहिए पहला फेवर आपका सर। कोई जो भी आपका आपका पसंदीदा काम हो उसकी एक अच्छी <laughs> सी पिक्चर मेरे को आप व्हाट्सऐप कर दीजिएगा श्योर सर मैं इसी वीडियो में वो लगाऊंगा और वो लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपके लिए पासपोर्ट फोन नंबर या ईमेल आईडी हो वो भी दीजिएगा तो हम उसको भी यहाँ पोस्ट करेंगे सर। सर। थैंक यू सो मच क्योंकि मेरा दिल से मानना है कि अगर आपके पास कोई कला है तो उसको हमें साथ लेके चलना अपने प्रोफेशन के साथ में क्योंकि तो वो जो आपके पास स्किल है वो आपको मोटिवेटेड रखेगी आपको एनर्जाइज रखेगी क्योंकि कोई काम करने में जो खुशी मिलती है जब हम थक जाते हैं काम से या जॉब करके थक जाते हैं तो वो जब हम अपना हॉबी को परस्यू करते हैं तो हमको दोबारा से एनर्जाइज होने में काफी मदद मिलती है तो वह आप बिल्कुल करिएगा yes, और मैं दिल से चाहूंगा कि मैं इसको पब्लिश करूं यहाँ पर और लोगों को भी ये पहुंचे कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं और अगर आपसे कनेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल हाँ तो सर वहां से आ, मैं मतलब मेरे बचपन से ही मेरी वो थी ख्वाहिश की हाँ मुझे आ, पेंटर बनना है या फिर मैं बहुत इंटरेस्टेड थी उस पर्टिकुलर फील्ड में तो उसके बाद फिर मैंने बहुत जगह एग्जीबिशन भी किए जैसे बांग्लादेश फिर इटली फिर जैच रिपब्लिक पाकिस्तान में भी किया मैंने पता अपनी अच्छा। हाँ तो वहां से वीडियोज और ये सब आए थे क्या बात मैंने है अपने पेज पे और मैंने अपने इंस्टा हैंडल और फेसबुक पे मैंने सारा कुछ अपलोड किया हुआ है तो आप अपना इंस्टा हैंडल भी भेजिएगा और अपना डिटेल्स भी तो भेजिएगा मैंने आपको अभी पर्सनल चैट में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया है ठीक है ओके सर आप उस पर भेजिएगा वील श्योरली भैया श्योर सर थैंक यू सो मच और घर में लोग कैसे मम्मी पापा खुश है हाँ सर सभी बहुत खुश है एक्चुअली मेरी सिस्टर भी बैंकर ही है तो मैं बैंकर हूँ सिस्टर कहाँ जॉब करती हैं आपकी सर वो तो यहीं पे पोस्टेड है बोकारो में बैंक ऑफ बड़ौदा में अब आप पीएनबी में पहुंच जाएंगे यस yes, सर तो अगर बोकारो से दूर मिल जाए कहीं तो फिर चले जाएंगे यस yes, सर मैं सर मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं <laughs> मुझे जहाँ भी मिला मैं चली जाऊंगी <laughs> चलिए तो क्यूँकी मुझे घर पे बैठना पसंद नहीं है हाँ एक बार आप जॉब कर लेते हैं दुनिया देख लेते हैं तो फिर आपका मन करता है कि बाहर कुछ ना कुछ करते रहें घर बैठ के बोरियत होती तो आजकल तो बड़ी बोरियत हो रही होगी आपको ये अभी तो हो रही है अभी तो मैं पेंटिंग क्लासेस भी नहीं ले पा रही थोड़ा बिजी चल रही हूँ मैं थोड़ा तो नहीं ले पा रही हूँ तो और थोड़ा बोरिंग फील होता है ठीक है सुरुचि थैंक यू सो मच आपने समय निकाला आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आपका जल्दी से जल्दी पे आपका है राइट? Yes, और आपकी यस सर थैंक और अगर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली लखनऊ आगरा कानपुर के आसपास आते हैं तो मुझे फोन जरूर करिएगा मेरा इन सब जगह जाना फ्रीक्वेंट रहता है तो मैं आऊँगा तो आपके ऑफिस में चाय की प्याली पीने आऊंगा और आप हम फिर चाय पे चल हम लोग Yes, uh, मोस्ट uh, तो उनके लिए आप क्या सलाह दोगे और फीमेल के लिए भी क्या सलाह रहेगी आप सर uh, मैं आपकी लाइफ में कुछ भी हो जस्ट कीप डूइंग इट इवन इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट कीप डूइंग इट इफ यू क्राई जस्ट कीप डूइंग इट इफ यू आर हैप्पी देन कीप डूइंग इट ओनली इफ यू टू रीच देयर एंड प्लीज प्लीज इट्स डोंट बी अफ्रेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस अगर आपने बहुत दिल से मेहनत की है और परसिस्टेंट हो आप अपने काम को लेकर तो एंड में जाके आपको रिजल्ट नहीं आना है मेरा भी यही मानना है कि सक्सेस जो है ना वर्क से ज्यादा दूर भाग नहीं सकता अगर वर्क करके पीछे पड़ जाएंगे तो सक्सेस so, के लिए नहीं ले सकते हो तो आपको अपना माइंड सेट वैसा बनाना होगा और आपको कॉन्फिडेंट फील करना होगा खुद के लिए और आ, मतलब अंदर से आपको वो फील करना होगा की आप कर सकते हो फीमेल हो के बहुत ऐसी सोसाइटी आपको मिलेगी कि आपको सब बोले कि क्या है मार्केटिंग का जॉब है तो आप आ, कितना दिन तक सस्टेन कर पाओगे तो ये सब मिथ है ऐसा होता नहीं है आप जाओगे तो आप सीखते भी उतना ही हो आपकी इम्प्रूवमेंट भी उतनी ही होती है तो ये सब मिथ है कि हाँ लड़की है तो मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब नहीं कर सकती आप करो मेहनत करो और आपको खुद ब खुद एक टाइम के बाद अच्छा लगने लगेगा लोगों से मिलकर और, और मेरे को लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है गर्ल्स के लिए ज़्यादा सेफ एनवायरमेंट है तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर में फिर भी थोड़ा सा और प्रेशर हो सकता है। सेक्टर में उतना प्रेशर, उतना नहीं होता तो वो एक एडवांटेज रहता है अगर आप इस तरीके के जॉब प्रोफाइल को ऑप्ट करते हो ठीक है जी थैंक यू सो मच यू गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट मुलाकात पेंडिंग रही जब भी आपकी ज्वाइनिंग तरफ होगी तो मैं बिल्कुल yes प्रयास sir. करूंगा जब भी आऊंगा आपको अपडेट मारूंगा ठीक है और एक अच्छा sir. सा आपका जो भी पेंटिंग ड्राइंग है आप भेजिएगा हम इसको यहाँ पे लगाएंगे हम इसको थंबनेल पर ही लगाएंगे कोशिश <laughs> 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 yes करेंगे दुनिया तक पहुंचे थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर बाय